हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के साथ आया हूं, जो मैक्सिमम बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सामने सिचुएशन रहती है। काफी ज्यादा परसेंटेज रहता है ऐसे बच्चों का जिन्होंने 11th अपनी कंप्लीट कर ली होती है और 12th में आ चुके होते हैं। अभी ऐसे कई बच्चे होंगे जो सुन रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो 12th में हैं एंड दे हैड स्टार्टेड। दरअसल होता क्या है, जब हम 10वीं पास करके आते हैं बड़े अच्छे नंबर से, अक्सर अच्छे नंबर लाते हैं हम 10वीं में, 11th में आते हैं, 11th में कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए हम जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए होता है फॉर एनी कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन। हमें जो चाहिए होता वो हमें नहीं मिल पाता, या वो हमें मिल रहा होता है लेकिन हम उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे यूज करें, कैसे यूटिलाइज करें, वो 11th में समझ नहीं पाते। दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। फिर क्या होता है कि हम आ जाते हैं 12th में, और 12th में आकर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को थोड़ा और सीरियसली लेते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई साहब मामला तो गड़बड़ हो चुका है। 11th में हमने जो कांड किए हैं उन कांड का अब आपको खामियाजा सामने दिख रहा होता है कि भैया ये तो भुगतना पड़ेगा। अब आप क्या हो जाते हैं, परेशान। अब आप परेशान, आपके दिमाग में एक आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है कि अपनी तो 11th है खराब। अच्छा, दूसरा ऊपर से क्या होता है, अब क्लास में 12th की क्लास में जाते हैं, वहां टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने देखा आपको छोड़कर बाकी सब आंसर कर रहे हैं, या आप भी आंसर कर रहे हैं, आपसे फास्ट बाकी आंसर कर रहे हैं। आपने दो चार लोगों से बात की, उन्होंने बताया भैया अपन तो 11th में भी पढ़े थे। ऐसे समय पर आपके दिमाग से ऐसे सिग्नल्स आने चालू होते हैं, ले तेरा 11th खराब है, तेरी इसलिए ऐसी हालत है। अब आपके दिमाग में ऐसी बातें, ऐसी जो परिकल्पनाएं हैं, ये आपको परेशान करना चालू कर। अब आप परेशान, भाई साहब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा 11th खराब है, मैंने 11th में डैश डैश किया, मैंने 11th में कांड किया, मैंने 11th में सीरियसली नहीं लिया, मैंने 11th में मस्ती की, कोई भी रीजन हो सकता है, सबका अपना अपना रीजन हो सकता है। लेकिन समस्या ये कि अब हम सीरियस हो गए, अब हम पढ़ना चाहते हैं, अब हम करना चाहते हैं, अब हम अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, लेकिन ये 11th वाला जो पाप का एहसास है, 11th में जो हमने टाइम वेस्ट किया है, जो 11th में हमने गंभीरता से चीजों को नहीं लिया है, सर उससे कैसे चलेगा, उससे कैसे चलेगा। अच्छा, कई आप इस चक्कर में क्या होते हैं, कई ऐसी जगह से गाइडेंस ले लेते हैं जो आपको वाकई डरा देती है। तेरा 11th खराब है, गया भाई, नहीं हो सकता, बिना 11th के नहीं हो सकता। जहां आपको ऐसे दो लोगों ने गाइड किया वहां तो और भाई साहब आपके दिमाग में आ गया, भाई साहब मैं नहीं कर सकता। पहली बात, टोटली सारी चीजें इलॉजिकल है। मैं आपको बता सकता हूं कई ऐसे बच्चे होते हैं, आपने चलो आपकी गलती बताता हूं, आपको क्यों ये अंदर से आत्मग्लानी हो रही है बताता हूं। आपको आत्मग्लानी इसलिए हो रही है क्योंकि आपने 11th से स्टार्ट तो कर दिया लेकिन 11th में प्रॉपरली जितना सीखना था वो सीख नहीं पाए, किसी भी वजह से, खुद की वजह से, सिस्टम की वजह से, परिस्थिति की वजह से, हेल्थ इश्यू की वजह से, किसी भी वजह आप नहीं सीख पाए। तो अब आपको 12th में आके एहसास हो रहा है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 11th में कॉम्पिटिशन की सोची भी नहीं होती, 11th में कंपटीशन की नहीं सोचते, वो 12th में आकर सोचते, सर मैं 12th में, उन्होंने सोचा ही 12th में, उन्होंने स्टार्ट ही किया 12th में, अब वो गंभीरता के साथ और सीरियसनेस के साथ पूरी पढ़ाई को ऑनेस्टली लेकर चल रहे हैं। और मेरे भाई, मेरे पूरे टीचिंग करियर में ऐसे कई बच्चे रहे हैं जिन्होंने 12th में IIT की तैयारी शुरू की और आपको उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, 12th में ही रिजल्ट मिला, वो IIT में सेलेक्ट हुए, ऐसे कई बच्चे रहे। फर्क क्या था, उनके पास ऐसी कोई चीज दिमाग में नहीं थी, मेरा 11th खराब है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। मेरे भाई, उन्हें जो 12th में उन बच्चों को पढ़ाया गया, कराया गया, बस उसमें प्लानिंग और स्ट्रेटजी का डिफरेंस था। अगर आप आज 12th में हैं और आपका भी 11th खराब है, आप उसकी वजह से परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सही स्ट्रेटजी अप्लाई करने की जरूरत है, सही तरीके से सोचने की जरूरत है, और थोड़ा ऑब्वियसली ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। लेकिन याद रखें, ऐसी सारी नेगेटिविटी जो आपके दिमाग के अंदर है, जो आपने इधर उधर से सुन ली है, जो आपने किसी अपने मित्र से, जो कि खुद
बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखता इस बारे में, उससे आपने गाइडेंस लिया, अगर पॉजिटिव गाइडेंस है तब तो ठीक है, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में तो उल्टा पड़ जाता है। अच्छा, अब मुद्दा ये है कि सर हम तो भुक्तभोगी हैं, हम उसी कैटेगरी के हैं कि 11th में हमने तैयारी की लेकिन हो नहीं पाया, भटक गए थे, बहक गए थे, कोई भी रीजन था। लेकिन आज आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हैं, जितना बोलोगे उतना पढ़ने को तैयार हैं, मैं 24 में 26 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं, ऐसे कई बच्चे आते हैं जोश जोश में बोलते हैं, बट तरीका बता दो करना क्या है। तो मेरे भाई मैं फर्स्ट पहले आपको एक सिंपल 12th के बच्चों का प्रोसेस बताता हूं क्या होता है। नॉर्मली जो जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा होता हूं उनका शेड्यूल मैं आपको बताता हूं। 12th का बच्चा अपनी 12th की पूरी जेईई प्रिपरेशन को ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो जाकर अक्टूबर में खत्म कर लेता है, उसकी 12th का पूरा कोर्स, 12th का पूरा कोर्स अक्टूबर में खत्म हो जाता है। अब यार बुद्धि लगाओ, अक्टूबर से, मैं अक्टूबर तो खींचकर ही बोल रहा हूं, एक हफ्ता एक्स्ट्रा ही बोल रहा हूं, अब अगर आप अक्टूबर से जोड़ो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मैं अभी सिंपल नॉर्मल केस की को कंसिडर कर रहा हूं, मैं ये डेट आगे पीछे खिसकने को उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा हूं, कि ये 7 महीने आपके साफ साफ दिखते हैं, 7 months क्लियर कट दिखते हैं। अब आप कहोगे सर हम 12वीं के हैं, हमें बोर्ड भी करना है, कहीं हम इसके चक्कर में हमारा बोर्ड भी ना लटक जाए। अरे रिलैक्स बेटा रिलैक्स, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको जो 12th में पढ़ाया जाता है आईटी की प्रिपरेशन के लिए या नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए जेईई और नीट ये 12th बेसिस एग्जाम होते हैं, एनसीईआरटी इनका बेस होता है, एनसीईआरटी बेस एग्जाम्स हैं ये, समझ में आया। तो आप अगर पूरी केमिस्ट्री करते हैं जेईई प्रिपरेशन की और आपको लगता है कि आप उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन या बोर्ड के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो गलत लगता है, आराम से कर लेंगे। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने पूरे 11th और 12th जेईई प्रिपरेशन किया है और बोर्ड में 96-97% लेकर आए। हाँ, मैं आपको इन 7 महीने में 1.5 महीने आपको आप ले लीजिए 45 से 50 डेज ले लीजिए, 50 दिन ले लो, मैं तो कह रहा 2 महीने ले लो, 7 में 2 महीने ले लो, 2 महीने में प्रैक्टिस कर लो कैसे लिखा आता आपको सब कुछ होगा, आपको सब कुछ आता होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी, 2 महीने में आपको सब बताया जाएगा, आराम से बोर्ड आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने ऐसा मत सोचो कि प्रिपरेशन के दौरान जो पढ़ा है उसमें एनसीईआरटी नहीं कवर होगी, एनसीईआरटी कवर होती, सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। अब मेरे भाई 2 महीने आपने बोर्ड गए, अब है 5 महीने, 5 महीने 12th का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बोर्ड के लिए हम 2 महीने दे चुके हैं, बोर्ड का कंटेंट भी हमने पूरे साल किया है, वी हैव 5 months। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या इन 5 महीने में 11th के वो टॉपिक्स जिसका कंटेंट आईटीजेई में अच्छी ग्रेविटी रखता है, अच्छा परसेंटेज रखता है, अच्छा पार्ट उसका आईटी में पूछा जाता है, क्या इस 5 महीने में आप उस 11th के पोर्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते, तब जब आपको आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही होंगी, आपका रिविजन पोर्शन चल रहा होगा, तब आप बिल्कुल कर सकते। We have sufficient time, ये आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा और इस 5 महीने को स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा, तो वी हैव सफिशियंट टाइम। हाँ, ड्यूरिंग ट्वेल्थ आप एक काम कर सकते हो, आपकी 11th खराब है, बहुत बर्बाद है, कायदे वाली बर्बाद है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लो पढ़ा रहा हूं 12th, वो एक बच्चा आता है कह रहा सर मेरे को 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही, मैं 12th में ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज इंडिपेंडेंट, किसी से कोई लेना देना नहीं, कन्फर्मेशनल का किसी से कोई लेना देना नहीं। बच्चा आया पहली क्लास में, सर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ूं, मेरी 11th बर्बाद। मैंने कहा टेंशन क्यों ले रहा, पहले कन्फर्मेशनल पढ़, कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्मेशनल का किसी से रिलेशन नहीं। मैंने कहा उसके बाद ऑप्टिकल आएगा, ऑप्टिकल पढ़, किसी से कोई लेना देना नहीं। इस दौरान मैं उससे कहता हूं कि भैया ये चलेगा आपका अच्छा खासा टाइम, तो जीओसी आप 11th में क्या पढ़ते हैं, आईयूपीएसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो मैं कहता हूं कि भैया जो जीओसी वाला पार्ट है ये आप चालू कर दो, ये आप पैरेलल चालू कर दो, इसके डाउट्स पूछने लगो, ये पूरी चीज खत्म कर लो, वंस यू फिनिश जीओसी, मेरे भाई बचता है एक आईयूपीएसी एक स्ट्रक्चरल, जो आपके 5 महीने है ना, उस 5 महीने में आप 5 दिन दोगे ना, 5 दिन खल्लास हो जाएगा, एकदम 100% भेजे में आ जाएगा, काय की टेंशन ले रहे भाई। हाँ, बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की, सर मैथमेटिक्स कैसे करें, 11th पूरा खराब है, 12th कैसे कर लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात,
आपको मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, जो भी सब्जेक्ट हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, आपको अपने टीचर से पूछना है कि सर मेरी 11th में गड़बड़ है, 12th में ये टॉपिक चल रहा है, मैं वो कौन सा चैप्टर है जो 11th का जरूर कर लूं ताकि मुझे इसमें इश्यू ना हो। आपकी पहली प्रायोरिटी इवन आफ्टर कि आपका 11th गड़बड़ है, कॉन्फिडेंटली ये होनी चाहिए कि करंट 12th मेरा गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि एक तो हो चुका गड़बड़, अगर मैं इसे सही रखूंगा तो जब ये खत्म हो जाएगा मेरे को सफिशिएंट टाइम मिलेगा, उस सफिशिएंट टाइम में मैं अपनी 11th को सुधार। तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जैसे आपके टीचर गाइड करें, किसी ने बोला भाई फिजिकल केमिस्ट्री वाले ने बोला एक काम कर ले भाई मोल कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, वो कर लो, बाकी तो आप जब 12th कोर्स खत्म हो जाए फिर कर लेना। आप समझ रहे मेरी बात? और जहां तक मेरी नॉलेज है आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखें मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता है तो आप आगे के चैप्टर्स कर सकते हैं। चैप्टर्स आर नॉट सो इंटरकनेक्टेड, चैप्टर्स बहुत इंटरकनेक्टेड नहीं होते, वो टीचर जब फ्यूजन के क्वेश्चंस कराता है चार चार चैप्टर मिक्स करके वो क्वेश्चंस अलग है, बट चैप्टर की थ्योरी पढ़ने में चैप्टर के क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं बता रहा हूं आप गए मैथमेटिक्स में, अब मैथमेटिक्स में भाई साहब बेसिक चीजें होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट निकालना ये तो हर जगह लगता है भाई साहब, कहीं भी फैक्टराइजेशन आ जाए ये सब तो आता है, आजकल 9वीं 10वीं में भी होता है। तो आपने टीचर से बात की, टीचर ने कहा भाई ये चैप्टर पढ़ने, ये दो चैप्टर होने चाहिए, पूरा 11th कौन पढ़ने को कह रहा भाई, ये दो चैप्टर कर लो, आपने वो दो चैप्टर कर लिए। फिजिक्स में आपने बात की, उसमें बोला गया भैया वेक्टर वेक्टर पता होना चाहिए, एफबीडी बनाना आना चाहिए, इतना कर लो, ये जैसा भी जो आपके सर आपको बताएं आपको वो मिनिमम जो जरूरी पार्ट है वो कवर करना है और 12th पर फोकस करना है ताकि आपका 12th बहुत अच्छा रहे। वंस योर 12th इज फिनिश्ड उसके बाद भी एक्चुअली हमारे पास समय होता है और हम अगर उस समय को स्मार्टली यूज करें तो हम बिल्कुल उसे कर सकते हैं। तो जरूरत है इस चीज की, परेशान ना हो, आप अपने टीचर से बात करें कि मेरे 11th के ये चैप्टर्स ये टॉपिक गड़बड़ हैं और हम इसे कैसे, उस चीज में से क्या पोर्शन है जो मुझे मैं अभी कर लूं और मेरा 12th जो है वो अच्छी तरीके से चलता रहे, इस चीज का खास ख्याल रखें। और सारे के सारे बच्चे आज इस बात की एनालिसिस करें और अपने अपने जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, उनसे बात करके बिल्कुल और निश्चिंत होकर कॉन्फिडेंट तरीके से 12th की पढ़ाई पर ऑनेस्टली आगे बढ़ें। बिलीव मी, आपको खत्म करने के बाद, सिलेबस खत्म करने के बाद रिवीजन में बिल्कुल टाइम मिलता है, 12th के चैप्टर पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन जल्दी हो जाएगा, 11th के चैप्टर में रिवीजन में हम टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे भाई देखो नेचुरल प्रॉब्लम तो है ही कि 11th के हमारे चैप्टर्स थोड़े से वीक हैं, हमें नहीं आते, हमारे छूटे हुए हैं, हमारे बर्बाद हैं, तो मेरे भाई हम सेलेक्टिव भी हो सकते हैं। लास्ट में हमारे पास 3 मंथ हैं, हमारे पास कंटेंट ऐसा है कि भैया ये कंटेंट है इतना करना है, हम पैनिक तब भी नहीं करेंगे, हम तब ऐसा प्लान करेंगे कि भैया ये जो कंटेंट हमारा पेंडिंग है इस कंटेंट का 70% 75% ऐसा पत्थर की लकीर की जैसा कर लेंगे, आराम से करके आएंगे। मेरे भाई 100% लाने का प्रयास नहीं करेंगे, जितना पढ़ लिया है उसमें 100% लाने का प्रयास करेंगे। सुना आपने मैंने क्या कहा, पूरे पेपर का 100% स्कोर करने के लिए मत जाओ, वो AIR 1 के भी नहीं आते, वो AIR 1 के भी नहीं आते, एडवांस में नहीं आते। जितना मैंने पढ़ लिया है उसमें से जो पोर्शन आएगा उसमें 100% लाने का प्रयास करिए, ये फिर भी फीजिबल है और निसंदेह अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये है वो मेन बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था आज, लेकिन एक और मैं बात आप सबको समझाना चाहूंगा, सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो परसेप्शन है वो भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा। हम बताए, मैं बताता हूं, एक बच्चा मेरे को बोलता है कि सर मेरी 11th बर्बाद है। मैंने कहा अच्छा बर्बाद मतलब थोड़ा क्लियर करो। सर मेरे को 11th में ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता। मैंने कहा अच्छा ऑर्गेनिक में 11th में क्या क्या पढ़ाता? तो कहता सर IUPAC पढ़ाता, GOC पढ़ाता, आइसोमेरिज्म पढ़ाता, मेरे को नहीं आता। मैंने कहा IUPAC नहीं आती? कह रहा नहीं नहीं IUPAC आता है, दरअसल GOC नहीं आती। मैंने कहा GOC में तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता? कह रहा नहीं सर इंडक्टिव आता है, थोड़ा बहुत रेजोनेंस एनर्जी निकालने में इश्यू है और सर वो एसिड बेस में इश्यू है। मैंने कहा अच्छा और आइसोमेरिज्म नहीं आता, स्ट्रक्चरल चेन पोजिशन? कह रहा नहीं सर वो आता है, टोटोमेरिज्म में प्रॉब्लम है। सुनना सुनना बात सुनना,
मैंने कहा अच्छा अब देखो इस बंदे का पहला स्टेटमेंट देखो सर मेरी 11 पर बात है अभी का स्टेटमेंट देखो आईयूपीएससी आता है जीओसी में रेजोनेंस एनर्जी और एसिड बेस आपके कोई और टॉपिक हो सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी एंड एसिड बेस और उधर टॉटोमेरिज्म मेरे भाई आपने टॉटोमेरिज्म एसिड बेस रेजोनेंस एनर्जी इन तीन के नाम पर क्या बोल दिया मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आती मेरे भाई ये चीज समझनी बहुत जरूरी है बैकलॉग के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना पड़ेगा एनालाइज करना पड़ेगा समटाइम्स हम बोलते हैं ये हमें नहीं आता दरअसल हम उस समय अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा क्या कर चुके होते हैं बताइए ज्यादा बड़ा रूप दे चुके होते हैं दरअसल उस चैप्टर में हमें 2-3-4 चीजें नहीं आती ध्यान से देखिए 10 में कई बार हमें 5 चीजें आ रही होती हैं 5 चीजें नहीं आ रही होती वो चीज हमें डराती है एज अ होल ये चैप्टर मुझे नहीं आता तो हमें इस चीज को भी थोड़ा समझना है क्योंकि कई बार अगर हम इस तरीके से चीजों को देखें तो आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मेरे 5 चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते और अगर आप इस तरीके से देखें जैसे मैं बता रहा हूं तो 1 या 2 चैप्टर ऐसे हो जिसमें कुछ थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम हो और इस पर आप 5-6 दिन देकर 2-4-5-6 दिन देकर आप उस चैप्टर को उस प्रॉब्लम को खत्म कर लें तो वो 5 चैप्टर की जगह अब केवल 3 चैप्टर आपकी प्रॉब्लम है इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपका बैकलॉग कम हो गया है इसलिए सारे लोग इस बात को दिमाग में रख लें कि भैया 11th खराब है माना हमें थोड़ा ज्यादा प्लानिंग से चलना पड़ेगा हमें थोड़ा ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ चलना पड़ेगा हमें थोड़ा ज्यादा स्मार्टली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा हमें थोड़ा ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा लेकिन याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहेंगे और काम करते रहेंगे तो निश्चित फैक्ट है 100% कोई नहीं रोक सकता सफलता अपने को मिलकर रहेगी तो आई होप आपने चीजों को समझा है रिलेट किया होगा अपनी प्रॉब्लम से इस चीज को यूज करें फॉलो करें और इसका रिस्पॉन्स कैसा फील कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक पर तब तक स्वस्थ रहें मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें